दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और देखते देखते इसी तरह साल गुजर जाता है। छोटे बड़े हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं। यही इस दुनिया का निज़ाम है, यही इस दुनिया का भ्रम जाल है। तमाम राजनीतिक उठापटक की खबरें तो आप पंजाब केसरी टीवी पर हर रोज ही देखते हैं, पर आज हम इस वीडियो में उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसका सीधा ताल्लुक आपकी जेब से है। मार्च जा चुका है, 2024 के अप्रैल ने भी दस्तक दे दी है। जब 2024 शुरू हुआ था तब नए वित्त वर्ष में आने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिनमें ये अप्रैल का महीना भी शामिल है। हर महीने की शुरुआत में कई नए नियम लागू किए जाते हैं। इस अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ भी कई नए नियम लागू किए गए हैं। ये नियम सीधी आपकी जेब पर असर डालते हैं या डाल सकते हैं। ये नियम LPG सिलेंडर के रेट, फास्टैग, पैन, आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम और इंश्योरेंस से जुड़े नियम शामिल हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इन सभी नियमों के बारे में बताते हैं कि ये कैसे हर रोज आपके दिन को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आज यानी 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप स्पष्ट रूप से ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं, आपके टैक्स का मूल्यांकन ऑटोमेटिक रूप से नई टैक्स सिस्टम के तहत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स रिजीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिवोट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए से कम आय वालों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है। इसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई थी। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको इनकम टैक्स में छूट और कटौतियों का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। टैक्स पेयर्स अपने फायदे के हिसाब से अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन सकेंगे। आज यानी 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। अगर आप इस तारीख तक KYC अपडेट नहीं करवा पाए हैं तो अब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि वन व्हीकल वन फास्टैग पहल के तहत बिना KYC वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं फास्टैग के लिए KYC नहीं होने पर आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही LPG सिलेंडर के रेट में कटौती की घोषणा की है। आज यानी 1 अप्रैल को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 32 रुपए तक कम हो गई हैं, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो के LPG सिलेंडर का रेट 30.50 रुपए घटकर 1764.50 रुपए हो गया है, जो पहले 1795 रुपए था। वहीं मुंबई में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम 31.50 रुपए घटकर 1717.50 रुपए हो गया है, जबकि चेन्नई में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम 30.50 रुपए कम होकर 1930 रुपए और कोलकाता में 19 किलो कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम 32 रुपए कम होकर 1897 रुपए हो गया है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 की तय की गई है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अब आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए
आपको 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 अप्रैल 2024 से प्रोविडेंट फंड बैलेंस को मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब यह है कि नौकरी बदलने के समय पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है। इसके तहत अब जॉब चेंज करने पर आपका पुराना पीएफ बैलेंस ऑटोमेटिक रूप से नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पीएफआरडीए ने आज यानी 1 अप्रैल 2024 से सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी तक एक्सेस के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू किया है। इसका मतलब है कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को अब 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना किसी को भी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा। लास्ट में बस आपसे यही कहना है, बदलते समय के साथ बदलिए, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग कीजिए ताकि वे आपके अलावा भी और लोगों के काम आ सकें, आपकी नस्लों तक पहुंच सकें, आपकी जेब के खर्च को बचा सकें। अपडेट रहिए, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।